अल्लाह स्टूडेंट्स आई होप यू विल बी फाइन विद ग्रेट एंड गुड हेल्थ सब्जेक्ट साइंस क्लास सिक्स यूनिट नंबर सेलुलर यूनिट नंबर वन सेलुलर हाइर्जी प्रजेंटेड बाय आमना महमूद इन प्रीवियस लेक्चर वी डिस्कस अबाउट दिस सेल सेल इज़ अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ ह्यूमन बॉडी ह्यूमन बॉडी का एक बिल्डिंग ब्लॉक है ठीक है बेस है ह्यूमन बॉडी की सेल ठीक है फिर हमने देखा था कि टू टाइप्स के सेल्स हैं ठीक है यूनिसेलोर और मल्टी सेलोर यूनिसेलर जो होता है इट कंटेन्स इट कम्पोज ऑफ वन सेल एंड मल्टी सेल और कंपोज ऑफ़ मैनी सेल्स ठीक है उसके बाद हमने आज देखना है कि जो सेल है जिसकी हम बात कर रहे हैं एक्चुअल में उसका स्ट्रक्चर क्या है विच थिंग्स आर कंपोज ऑफ सेल एंड विच थिंग्स आर इम्पोर्टेंट इन द सेल फॉर द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी ठीक है ह्यूमन बॉडी के लिए क्या फंक्शन परफॉर्म करता है ठीक है ये सब कुछ हमने डिस सेल स्ट्रक्चर की वजह से किया है चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि सेल स्ट्रक्चर है क्या सेल हैव माइटोकॉन्ड्रिया साइट्रोप्लाजम न्यूक्लियस सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल गोल्जी बॉडीज क्लोरोप्लास्ट वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन सेल ये सारी चीज़ें जो है वो सेल्स में प्रेजेंट है आपकी टेक्स्ट बुक में इतनी थी तो मैंने इतनी ही बताई हैं अभी आपको नहीं तो सेंट्रियोल्स भी होते हैं ठीक है ठीके? और भी जो है वो चीज़ें होती हैं ठीक है ठीके? लेकिन यहाँ पर इस इतना ही मैंने आपको बताया है अब वो कहते हैं कि जो सेल हैं उसमें माइट्रोकॉन्ट्रिया है साइटोप्लाज्म है न्यूक्लियस साइटो है सेल मेम्ब्रेन है सेल वॉल है गोल्जी बॉडीज हैं क्लोरोप्लास्ट है वेक्यूल है ये सारे क्या हैं ये हैं सेल की ऑर्गेनालीज हैं और ये ऑर्गेनाइलिस साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं जो कि सेल के अंदर होता है चले वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं फर्स्ट इज न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म ऑल सेल हैव अ राउंड और ओवल न्यूक्लियस सारे सेल के अंदर एक राउंड और ओवल न्यूक्लियस होता है ठीक है जेली लाइक सब्सटेंस अब उस जो है वो राउंड और ओवल न्यूक्लियस है ना वो सेल के सेंटर में होता है ठीक है जल मतलब कि प्लांट सेल में और एनिमल सेल में इसका डिफरेंस आ जाता है वो नेक्स्ट में मैं आपको बताऊंगी जली लाइक सब्सटांस प्रेजेंट इन द सेल कार्ड साइटोप्लाज्म जली लाइक सब्सटेंस होते हैं जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म यानी फ्लूड का फ्लूड सा होता है ठीक है जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म है ठीक है और उसके अंदर ये सारी ऑर्गेनालिज प्रेजेंट होती हैं नेक्स्ट है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन हर चीज़ की हम कह लें कि बाउंड्री जैसे कि ग्राउंड प्ले ग्राउंड है उसकी एक बाउंड्री होती है ना आप अगर क्रिकेट मैच देखते हैं तो उसकी एक बाउंड्री होती है ठीक है आप समझ लें जो बाउंड्री है जहाँ पर क्रिकेट मैच खेल रहा खेल हो रहा है स्टेडियम में जो बाउंड्री है वो क्या है सेल मेम्ब्रेन और अंदर वाली जो है वो चीज़ें क्या हैं सेल हैं ठीक है तो इसी तरह इस सेल का भी यही स्ट्रक्चर है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो आउटर मोस्ट बाउंड्री है सेल की सेल मेम्ब्रेन uh, इन द केस ऑफ द प्ला एनिमल एनिमल सेल ठीक है न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाजम इनक्लोज विद इन अ वेरी थिन स्किन ठीक है ना और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं समझ आ रही है कि जो सेल मेंब्रेन है वो क्या है आउटर मोस्ट बाउंड्री है सेल की और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो है ना मतलब अंदर की तरफ इंक्लोज है साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस अंदर है उसके इर्द गिर्द जो बाउंड्री है वो क्या है सेल मेंब्रेन है नेक्स्ट है हमारे पास साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनालीस ठीक है साइटोप्लाजम कंटेनस मैंने साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनालीस इसलिए लिखा है कि साइटोप्लाज्म में कौन सी ऑर्गेनाली अदरवाइज तो हम जेली लाइक सब्सटेंस को डिस्कस कर चुके हैं कि जेली लाइक सब्सटेंस ही साइटोप्लाज्म है लेकिन अब साइटोप्लाज्म में कौन सी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है वो हम देखते हैं साइटोप्लाजम कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट सबस्टांसिस है जैसे उसमें ऑयल ड्रॉपलेट होते हैं ठीक है उसके बाद स्टार्च हैं ग्रेन्स हैं वाटर है सॉल्ट्स मैटर और अदर ऑर्गेनालिस ये सारी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं ठीक है चीज़ें इट ऑल्सो कंटेन टाइनी लिविंग स्ट्रक्चर टाइनी लिविंग स्ट्रक्चर जो बात करें वो ऑर्गेनाइज हैं जो कि साइटोप्लाजम के अंदर प्रेजेंट होती हैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि जो साइटोप्लाज्म है उसमें लार्ज नंबर ऑफ में नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट सब्सटेंस होते हैं जैसे कि ऑयल ड्रॉपलेट है स्टार्च है ग्रेन्स हैं वाटर सॉल्ट ये सारी चीज़ें जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं आप ये कह लें कि जो एक सा मटेरियल है ना वो अंदर जो सेल के वो है साइटोप्लाज्म ठीक है उसकी बेस ठीक है हम कह लें उसका ग्राउंड आपको समझाने के लिए इस तरह कह रहे हो कि ग्राउंड जो है ना वो कह लें कि आप क्या हैं साइटोप्लाज्म है और उसके अंदर जो चीज़ें रखी हुई हैं वो सारी क्या है ऑर्गेनाइलिस हैं ठीक है और जो बाउंड्री है वो क्या है सेल मेम्ब्रेन है ये ऐसे है और उसमें टाइनी लिविंग स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं ऑर्गेलीस वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं नेक्स्ट है माइट्रोकॉन्ड्रिया एंड गोल्जी बॉडीज माइट्रोकॉन्ड्रिया राउंड होते हैं इलॉन्गेटेड ऑर्गेनालिस हैं विच ट्रैप्स द प्रोसेस ऑफ जब रेस्पिरेशन uh, का प्रोसेस होता है ना तो ये ये जो है वो माइट्रोकॉन्ड्रिया में ही होता है हम माइट्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं ठीक है गोल्जी बॉडीज जो है वो उनमें सिक्रेशन होती है कि कौन सी चीज़ बॉडी जो है वो सेल को जरूरत है और जिस जि, किस चीज़ की सेल को जरूरत नहीं है ठीक है नेक्स्ट है वैक्यूल और इसका फंक्शन वैक्यूल एंड इट्स फंक्शन वैक्यूल इज अ स्पेस फिल्ड विद फ्लूड इन अ साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म में जो है वो सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लूड फिल्ड होता है और एनिमल सेल में ये स्टोरेज हाउ जो है वो हाउस के तौर पर एक्ट करता है एनिमल सेल में ये न्यूट्रंट को और वाटर को स्टोर करता है ठीक है और अगर प्लांट सेल में देखें तो ये सपोर्ट करता है प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझ आ रही है कि वैक्यूल क्या क्या वैक्यूल क्या है स्पेस फिल्ड फ्लूड है और ये अगर प्लांट सेल में है तो प्लांट सेल में ये एज अ स्टोरेज जो है वो हाउस वर्क करता है ये स्टोर करता है न्यूट्रिएंट और वाटर को और अगर प्लांट सेल में है तो जो है वो प्रोवाइड करता है सपोर्ट एनिमल सेल में ये स्टोरेज हो उसके तौर पर एक्ट करता है और प्लांट सेल में ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास क्रोमोसोम्स एंड इट्स फंक्शन क्रोमोसोम्स क्या है उसके फंक्शन क्या है न्यूक्लियस है जी ये दो दफ़ा डबल एन जो है वो लिखो गया ये मिस्टेक होगी सॉरी बेटा लेकिन ये न्यूक्लियस ही है द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल कॉन्टेन इसमें रोड शेप ऑब्जेक्ट होते हैं जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स अब हमारी बॉडी की जो सारी एक्टिविटीज़ हैं हमारा जो सारा काम हम करते हैं फंक्शन परफॉर्म करते हैं हमारा बोलना सब कुछ जो है वो ये क्या है हमारी सारी जो है वो वर्किंग है ये कंट्रोल करता है सेल की वर्किंग कंट्रोल करता है इट कंट्रोल द होल वर्किंग ऑफ अ सेल इट टेक्स पार्ट इन सेल डिवीजन में भी रोल प्ले करता है हमारे डी में हमारी हर चीज़ के बारे में लिखो हमारी आंखों का कलर कैसा है हमारे बालों का कलर कैसा है और ये डी में ही प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स तो ये सारा फंक्शन इस तरह ही है कि हमारी बॉडी किस तरह काम करती है सारा कुछ जो है वो परफॉर्म करते हैं ठीक है उसके बाद है हमारे पास मैंने आपकी जो है वो बुक से लिया है ये प्लांट सेल है और ये एनिमल सेल है ये डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ठीक है द आउटर लेयर इज कार्ड सेल वॉल जो आउटर लेयर है उसको हम कहते हैं ये सेल वॉल है प्लांट सेल में ठीक है और जो सेल सेलमब्रेन है ठीक है सेल मेमब्रेन इज इन साइड द सेल वॉल सेल वॉल के अंदर जो है वो सेल मेम्ब्रेन होती है सबसे जो आउटर मोस्ट बाउंड्री है प्लांट सेल में वो सेल वॉल है फिर सेल मेम्ब्रेन है ठीक है जो कि इनसाइड द सेल वॉल होती है उसके बाद न्यूक्लियस होता है जो कि एक साइड पर होता है क्योंकि इसमें न्यूक्लियस एक साइड में इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक लार्ज वैक्यूल होता है बिग वैक्यूल की वजह से जो न्यूक्लियस है वो एक साइड पर होता है और क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होते हैं बिकॉज क्लोरोप्लास्ट आर यूज इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास एनिमल सेल एनिमल सेल में क्या है इसमें कोई सेल वॉल नहीं होती इसमें सिर्फ सेल में होती है ठीक है जो कि आउटर मोस्ट लेयर है इस सेल की एनिमल सेल की उसके बाद इसमें जो है वो न्यूक्लियस सेंटर में होता है वे इसका स्मॉल होता है इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होते क्योंकि एनिमल ने कौन सा जो है फोटोसेंथिसिस जो है वो करनी होती है आपको पता है बच्चों हम हेट्रोट्रॉफ हैं ठीक है और जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफ है ऑटोट्रॉफ जो अपनी जो फूड है वो खुद प्रिपेयर करते हैं वो किसी पर डिपेंड नहीं करते लेकिन हम क्या हैं हैंट्रोट्रॉफ जो कि डिपेंड करते हैं ऑन द प्लांट्स ठीक है एनिमल्स एन ह्यूमन बींग्स ठीक है तो ये है नेक्स्ट है ये देखें बच्चों ये देखें स्ट्रक्चर है ये सेल वॉल है जो सबसे ला आउटर मोस्ट बाउंड्री और सेल वॉल है ये लार्ज वैक्यूल है ये एनिमल्स है प्लांट सेल है एक तरफ और एक तरफ एनिमल सेल है ठीक है बच्चों ये वैक्यूल है लार्ज यहाँ पर एक तरफ न्यूक्लियस है फिर हमारे पास से सेलुलर रेस्परेशन माइट्रोकॉन्ड्रिया इधर भी है और इस तरफ भी है फिर जो है वो साइटोप्लाजम है ये देखें साइटोप्लाजम जो पिंक सा है ये साइटोप्लाजम है इसमें सारी ऑर्गेनालिस्ट प्रेजेंट हैं फिर हमारे पास जो है वो क्लोरोप्लास्ट है ये प्लांट सेल में एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये न्यूक्लियस है ना तो ये जो है वो सारा इसने जो है एनिमल सेल और प्लांट सेल को ड्रा किया हुआ जो है वो दिखाया गया है ठीक है आई होप आपको समझ आई होगी हर जो है वो चीज की तो देखिएगा अपनी टेक्स्ट बुक में भी देखिएगा डिफरेंस भी देखिएगा प्लांट सेल में और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है और इस डायग्राम को भी देखिएगा आई होप आपको समझ आई होगी अल्लाह हाफिज़ La 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 la